हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम कंप्लीट असेंबलिंग को दिखाएंगे, कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट्स हमारे हैं, देखिए ये सभी मेन पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट बॉक्स, SMPS, मदरबोर्ड, HDD या SSD जो भी आपके पास है। स्टोरेज के लिए आप चाहे HDD यूज़ करें या SSD यूज़ करें, राइट। रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। इस वीडियो में एक एक पार्ट को, सभी अलग अलग पार्ट्स हैं और इसको हम असेंबल करके दिखाने वाले हैं आपको। इसके अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब पूरा कंप्लीट PC कैसे रेडी करना है ये आपको देखना है इसमें। और इसके साथ साथ एक कंप्यूटर को रीअसेंबल करके दिखाएंगे हम, जो ज़्यादातर कंपनी में अभी थिन क्लाइंट जो आ रही है, ठीक है, मिनी PC, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रीअसेंबल करके दिखाएंगे उसको ओपन करके। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कंप्यूटर को असेंबल और रीअसेंबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सावधानी इसमें ये होना है कि जब भी आपको आप प्लान कर रहे हो कंप्यूटर असेंबल करने के लिए, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन को आपको देखना है, कौन कौन से कंपैटिबिलिटी हैं, कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स आपको लेने हैं आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार। और उसके बाद अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो, मतलब IT पर्सन हो, तो आपको ये आइडिया ज़रूरी होना है कि कौन सी कंपैटिबिलिटी होती है ना। कोई आपका क्लाइंट है, कोई बोलता फोटोशॉप चलानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन का आप मदरबोर्ड लोगे, किस कॉन्फ़िगरेशन का आप माइक्रोप्रोसेसर लोगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्या स्पीड रहेगा, ये सबसे मायने रखता है। असेंबलिंग करना तो अभी आप देखोगे 5 मिनट में ये असेंबलिंग पूरा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप सभी पार्ट्स को, ये जितने पार्ट्स मैंने बताया, ये सभी पार्ट्स को मार्केट से लेके आओ और असेंबल आप 5 मिनट में कर लोगे। असेंबल करने के बाद इसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो भी आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। ये सारे प्रोसीजर एक एक करके हम पूरा इस सेशन में करने जा रहे हैं हम लोग। तो असेंबलिंग का पोर्शन अब से सर आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक करके कैसे करना है, और उसके बाद विंडो इंस्टॉल करके सारा पूरा स्टेप बाय स्टेप इस सेशन के एंड तक आप देखिए। तो ये हमारा कैबिनेट बॉक्स है। अगर आप कैबिनेट बॉक्स परचेज करते हो तो ऐसा आपको कैबिनेट बॉक्स मिलते हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पीछे आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर को ओपन करिए, देखिए ये पूरा ब्लैक रहेगा, ऐसे मिलेंगे कैबिनेट बॉक्स। और इसमें आपको ये बैक पैनल मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आप करते हैं, ऐसे बैक पैनल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे कैबिनेट बॉक्स एंड ये हमारे मदरबोर्ड है, ये हमारे मदरबोर्ड है। और यहाँ पे हमें माइक्रो प्रोसेसर को ऐड करना होता है, लगाना होता है, ठीक है। ऐसे आपका माइक्रो प्रोसेसर है कि जिसे हम CPU बोलते हैं, ये हमारे ब्रेड ऑफ कंप्यूटर इसको बोला जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 2 RAM है, इसमें वो RAM को इंस्टॉल करने वाले हैं एंड इसमें हम लोग SSD को इंस्टॉल करने वाले हैं। ये आप लैपटॉप में और डेस्कटॉप दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड PC होगा तो कुछ इस तरीके के आपके पास हार्ड डिस्क होंगे जो कि HDD है, जो कि डेस्कटॉप में लगता है। अभी के लिए जो भी PC हैं या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, सभी में कंपेटेबल ऐसे ही स्मॉल में आपको हार्ड डिस्क मिलेंगे या SSD जो भी। एंड ये है हमारा कूलिंग फैन जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं जो उसको कूल करने के लिए। और ये है हमारे SMPS जो कि हमारे मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको पावर देते हैं और हार्ड डिस्क को भी पावर देने का काम करता है। तो ये हमारे मदरबोर्ड है और इसमें फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर को ऐड करने वाले हैं, इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसको हम लोग इसमें लगाएंगे स्लॉट में, ये हमारे CPU स्लॉट है जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एक लॉक मिलेगा आपको, इसको प्रेस करना है और इसको आपको ऐसे बाहर कर लेना है और इसको सिंपली यहाँ से ऐसे ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो आप उसमें आपके प्रोसेसर में ऐसे 2 कट रहेंगे 2 साइड में, और इसमें आपको ऐसे मिलेंगे 2 दोनों साइड में ऐसे आपको कट साइड में आगे को मिलेगा। और इस पे आपको करना सिंपली इसके ऊपर ऐसे ऐड कर देना है और क्या करना है, इसको
ऐसे इसको सिंपली रख के और इसको ऐसे ऐसे रख के आपको प्रेस करके और ये लॉक आपको लॉक हो जाएगा सेम, ये ऐसे रहेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कूलिंग फैन है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक कूलिंग पेस्ट आता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, इसको लगाना पड़ेगा कूलिंग पेस्ट को। ऐसे क्या करता है, कूल रखता है आपके प्रोसेसर को। तो सिंपली यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इसको, और इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करना, ज़्यादा नहीं लगाना होता है। बस थोड़ा सा लगाना होता है इसके ऊपर। और क्या करना है, इसके नीचे जस्ट देखो यहाँ पे फाइबर की ऐसे प्लेट रहेगी और इसमें आपको यहाँ पे स्क्रू मिलेंगे। इसके ऊपर क्या करना है, आपको सिंपली कूलिंग फैन को रखना है और यहाँ पे इसको ऐड कर देना है यहाँ से। और इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे से यहाँ से टाइट कर देना है। ध्यान है इसको लूज नहीं करना है आपको, अच्छे से प्रॉपर इसको टाइट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है काफ़ी हीट होता है जब ये रनिंग में होता है, तो इसके कूलिंग के लिए कूलिंग पेस्ट और कूलिंग फैन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस पर बिल्कुल ही ध्यान देंगे ज़्यादातर। मैं इसको ऐसा प्रॉपर टाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ज़्यादा फोर्स कूलिंग भी नहीं करना है, नॉर्मल जो इसकी उसके बाद से आपको यहाँ पे यहीं पे आपको सीपीयू फैन का यहाँ पे आपको पिन मिल जाएगा और ये जो फैन है इस वायर को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो नॉर्मली यहाँ पे देखो सीपीयू फैन का पिन है, आप नहीं अगर मालूम चल रहा है तो इस पिन को भी काउंट कर सकते हो और इस पिन को काउंट करो, यहाँ पे लिखा भी रहेगा सीपीयू फैन। एंड इसको क्या करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, यहाँ पे इसको लगा देना है ऐसे उसी तरीके से, ठीक है। ये हमारा ऐसा लगेगा सीमोस बैटरी एलईडी इसमें लगे रहेंगे। उसके बाद हमें रैम को इंस्टॉल करना है इसमें, तो सिंपली ये दो लॉक देख रहे हो, उसको लॉक आपको क्या करना है यहाँ से ऐसे दोनों साइड में ऐसा अलग कर देना है और रैम को एज इट इज सेम आपको क्या करना है ऐसे रख के कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है। ऐसे रख के रैम को आपको दोनों साइड से नॉर्मल प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सेम लाइक इसको भी लगाना है ऐसे ही, सिंपली आप ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से वो थोड़ा सा प्रेस कर देना है लॉक पे, ठीक है, ऐसे लॉक हो जाएंगे। तो हमारे अभी तक क्या क्या इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर, कूलिंग फैन एंड रैम। अभी हमें क्या करना है, हार्ड डिस्क को लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पे SSD का यूज़ कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी हो HDD हो या SSD हो, तो उसको लगाने के लिए हमारे पास एक SATA केबल होनी चाहिए। ये हमारे पास SATA केबल है और यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये SATA पोर्ट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चार SATA पोर्ट हैं अभी, तो आप SATA 0 में SATA 1 2 ऐसे करके हमारे SATA पोर्ट के नेम रखते हैं, तो आप किसी बार एक में लगा सकते हो अगर एक हार्ड डिस्क, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और इसमें लॉक होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लॉक वाला अगर आप SATA केबल लेते हो तो काफ़ी अच्छा होता है। और सिंपली हमारे SSD में या HDD में यहाँ हमारे जो SATA पोर्ट होते हैं इसमें आप लिख इसको ऐसे कनेक्ट कर, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग कनेक्ट बॉक्स के अंदर फिट करके फिर इसको ऐड करेंगे। फिलहाल मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ, वैसे हम इसको ऐड करने वाले हैं, क्लियर। उसके बाद से ये हमारा SMPS जो कि हमारे मदरबोर्ड को पावर देगा, एंड हम लोग पूरा फुल असेंबल करने वाले हैं इस कैबिनेट बॉक्स के अंदर। तो मैं कैबिनेट बॉक्स के अंदर इसको फिट करता हूँ फर्स्ट, और सभी स्क्रूज के जो भी हैं मैं इसको मदरबोर्ड को इसके अंदर टाइट करता हूँ। तो ये हमारे पास बैक पैनल है, फर्स्ट क्या पैनल है, बैक पैनल को यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है, यहाँ पे लगाना है इसको ऐसे, आप नॉर्मल प्रेस करेंगे फिर लॉक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मदरबोर्ड अभी हम लोग जो रेडी किए हैं उसको सिंपली क्या करना है आपको ऐसे ऐसे ऐड करना है, इस बैक पैनल में भी आपको ऐसे ऐड करना है ऐसे कुछ इस तरीके से। और नीचे आपके यहाँ पे स्क्रू दिए रहेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट करना है। तो मेरे पास अभी स्क्रू है और मैं इसको एज ए यहाँ से इसको इसको टायर के माध्यम से इसको यहाँ पर मैं टाइट कर, अब उसके बाद में क्या करना है SMPS को लगाना है, ठीक है। ये हमारा SMPS है, इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम इस SMPS को लगाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे इसके अंदर आपको ऐड करना है और यहाँ पे इसको अरेंज करना है,
आपके स्क्रू रहेंगे, इसमें आप अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। स्क्रू प्रॉपर आपको अच्छे से टाइट करना है, ज़्यादा फोर्सफुली आपको नहीं इस पर वो करना है, क्योंकि नॉर्मल इसमें जो होती है स्क्रू रखने, तो अगर ज़्यादा फोर्सफुली आप करोगे तो ये इशू क्रिएट करेंगे और स्क्रू बाहर आ जाएगा आपका। तो हमने सभी स्क्रू अच्छे से टाइट कर लिया। अब इसको क्या है, हमें कनेक्शन का मेन काम है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे SSD है इससे हमें लगाना है। तो SSD को आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको इस मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट मिल जाएंगे SSD को लगाने के लिए, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको कैनन बॉक्स के अंदर ऐसे मिलेंगे कुछ इस तरह के, तो आप साइड में कहीं भी लगा सकते हो, आपके ऊपर अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, आप किधर लगा रहे हो, आपके सिस्टम के अंदर 2 HDC या 1 HDC या 2 SSD आपके ऊपर रिक्वायरमेंट की चीज़ें। तो आप, मैं इसको यहाँ पर असेंबल करता हूँ, यहीं पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे SSD को यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, और ये हमारे पास 8 केबल है जो कि मदरबोर्ड से हमारे SSD को ऐड करने है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, किसी भी स्लॉट से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो इसे, और सिंपली ये क्या करना है आपको SSD में लगा देना है। और आपके SMPS में कई सारे पावर पिन है, तो जो है बड़ा वाला दिख रहा हूँ पावर पिन, ये जो कि 24 पिन का है, या आपके मदरबोर्ड को 24 पिन में इसे आपको ऐड करने हैं, जैसे सर आपको क्लास में बताए थे आप। तो सिंपली आपको क्या करना है, और नॉर्मली इसके ऊपर रख के ऐसे आपको प्रेस करने हैं तो लॉक हो जाएगा ये। उसके बाद आपको इसमें 4 पिन का एक पावर पिन मिलेगा, जो हमारे CPU के आसपास कोई पिन स्लॉट रहता है उसके अंदर रखता है, ठीक है। ये 4 पिन का होता है ओनली, ये हमारे क्या करता है एक्स्ट्रा पावर देता है हमारे कूलिंग फैन को CPU को, ठीक है। इसको नॉर्मली आपको क्या करना है, ऐसे रख के आपको प्रेस करना है, ये लॉक हो जाएगा। तो मदरबोर्ड को हम लोग कनेक्शन दे चुके हैं, और ये जो हमारे पास अभी जो SMPS से वायर जो बच गए हैं, ये हैं हमारे हार्ड डिस्क के लिए या SSD के लिए बोलो, या जो आपके IDEA हार्ड डिस्क है, ये जो पिन देख रहे हो ये हमारे IDEA हार्ड डिस्क में रखते हैं, और ये जो पिन देख रहे हैं हमारे SATA हार्ड डिस्क में रखते हैं, या SSD में आप इसको लगा सकते हो। तो अभी मेरे पास एक ही SSD है, तो मैं केवल एक वायर का यूज करूँगा, इसको मैं ऐसे साइड में रख दूंगा, और इस पिन को मैं क्या करने वाला हूँ अपने SSD के अंदर लगाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको SSD के ऊपर ऐसे रख के और प्रेस करना है ऐसे, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपके कैबिनेट बॉक्स में ऐसे 2-3 वायर आपको मिलेंगे, जो आपके कैबिनेट बॉक्स में, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ आगे आपको कुछ पोर्ट दिए रखते हैं, ये आपको यहाँ पे USB पोर्ट, ऑडियो जैक एंड पावर और रिसीवर बटन आपको मिलेंगे। तो इसमें जो दो आप देख रहे हो ना, ये दो आपके चौड़ा वाला आप जो पट्टी देख रहे हो, ये होते हैं हमारे USB पोर्ट के लिए और ऑडियो जैक के लिए होते हैं। तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, आपके मदरबोर्ड के अंदर हर एक पिन पे नाम लिखा रहेगा, मदरबोर्ड पे अगर ध्यान से देखोगे तो पिन पे नाम लिखा रहेगा, नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो आप पिन अगर देखते हो तो बीच में यहाँ पे एक यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे कौन सा पोर्ट है या कौन सा पिन है जिसके अंदर एक बीच का पिन ब्लैंक है, तो सिंपली आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप नाम देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इजीली इसे मदरबोर्ड के अंदर ऐसे लगा सकते हैं। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद हमारे पास ये बच जाते हैं, जो कि हमारे HDD एंड जो पावर ऑन करते हो जो LED लाइट जलती है, एंड इसमें रिसेट बटन और हमारे पावर ऑन बटन इसमें होते हैं। तो इसको कनेक्ट करेंगे आपको अपने कंप्यूटर, या आप जो असेंबल कर रहे हो, जो पीसी असेंबल कर रहे हो आप, उसके मदरबोर्ड पे आपको F पैनल के नाम से लिखा रहेगा, उसको आप चेक करोगे तो उसमें नहीं तो पावर ऑफ में दिया रहेगा, नहीं तो वहाँ पे लिखा रहेगा F पैनल, वहाँ पे हमें इस कनेक्शन को करना होता है। तो एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा F पैनल कैसे होते हैं। तो नॉर्मली मैं इसको फर्स्ट कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं क्या किया यहाँ से F पैनल के अंदर अपने इसको मैं यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको ऐड करना है सभी पिन को, ये सभी हमारे इंटरनल कनेक्शन थे, और सभी वायर को क्या करना अच्छे से साइड कर देना, और ताकि हमारे कूलिंग फैन जो है उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक ना हो, लड़े नहीं इस पर। तो ये थी हमारी फुल असेंबलिंग, और इसके ऊपर क्या करना, फर्स्ट आप इसके ऊपर जो हमारे ऊपर के पैनल है इसको ऐसे लगा दें, और जो इसमें इसको पीछे बैक साइड में लगाना है उसको आपको सिंपली यहाँ से लगा देना है। तो हमारा बेसिक फुल असेंबल हो गया है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, OS को इंस्टॉल करना है। तो फर्स्ट इसमें जो भी हमारे केबल्स हैं, मैं आपको केबल दिखा दूँ, यहाँ पीछे बैक पैनल की तरफ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमारे पावर केबल लगेंगे,
यहाँ पे हमारे VGA केबल, यहाँ पे USB पोर्ट जिसमें हम अपना कीबोर्ड माउस पेन ड्राइव या प्रिंटर जो भी चीजें हैं यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे हमारे IC पोर्ट भी है, नेटवर्क इंटर कार्ड पोर्ट। यहाँ पे अगर इंटरनेट आपको यूज करना है इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये कुछ हमारे USB पोर्ट है। तो हमें क्या करेंगे, इसमें पावर केबल लगाएंगे और यहाँ पे VGA केबल और अपने कीबोर्ड माउस लगा के और पेन ड्राइव लगा के इसमें हम लोग इसको बूट करने वाले हैं। और बूट के बाद यहाँ पे प्रेस एनी की करना है आपको और जस्ट ये बूट होने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। सिंपली यहाँ से आपको लैंग्वेज यहाँ पे दे रहा है, तो अभी लैंग्वेज इंग्लिश ही है तो इसको इंग्लिश में रहने देता हूँ। और टाइम एंड और जो डेट, इसका टाइम एंड करंटली जो फॉर्मेट है ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि जो भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो यूनाइटेड स्टेट का ही सेम एडजेक्टिव सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे नेक्स्ट कर देना है एंड यहाँ से स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली मैं यहाँ से विंडोज़ 10 प्रोफेशनल यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 प्रोफेशनल 64 बिट का इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड वेट करिए थोड़ा सा। और यहाँ पे इसका कुछ लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया है जिसको आप रीड कर सकते हो, और रीड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से कस्टम इंस्टॉलेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में पहले से कोई विंडो है और उसको आप डेटा इरेज नहीं करना चाहते हो, उस पर नया विंडो आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ से अपग्रेड पे क्लिक कर सकते हो आप। अगर आपको न्यू विंडो डालना है और नया फ्रेश पीसी है तो आपको यहाँ पर कस्टम पर जाना है। और यहाँ पर जितने साइज़ का आपका हार्ड डिस्क रहेगा या SSD रहेंगी यहाँ पर आपको एलोकेट होगा, यहाँ पर शो करेगा। तो फिलहाल मेरे पास 60 GB है तो मैं नॉर्मली यहाँ पर 60 GB इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसी के अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो अभी मैं इसमें फिलहाल कोई पार्टीशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। पार्टीशन क्रिएट करना मैं आगे आपको बताऊँगा कैसे पार्टीशन क्रिएट करना होता है। तो सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई जैसे आप करोगे यहाँ से ओके करना है आपको, तो एक सिस्टम रिजर्व आपके यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 100 MB का आपका जो है सिस्टम रिजर्व है जिसमें आपकी बूट फाइल जो होती है उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और ये है आपके प्राइमरी पार्टीशन जो कि इसमें से कुछ MB जो आपके निकल गए यहाँ से जो कि सिस्टम रिजर्व के लिए जो हो गए, और ये आपके इसके अंदर प्राइमरी पार्टीशन के अंदर आपको एज ए विंडो को इंस्टॉल करना होता है। तो नॉर्मल मैं यहाँ से उस पर सिलेक्ट करके और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और ये हमारा विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। 3 नियर अबाउट हाफ एन आवर या 20 मिनट्स भी लेता है, तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पे, आपकी जो SSD है कितना फास्ट है, आपके जो पोर्ट हैं जिसमें आप USB पोर्ट में जो आप पेन ड्राइव को लगाया वो USB पोर्ट कितना फास्ट है, आपका पेन ड्राइव कितना फास्ट है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर सिंपली अभी कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अपने आप रिस्टार्ट होगा और जो भी इसकी फॉर्मेलिटी होगी पूरा करेगा, जो भी इसमें बूट फाइल होंगे वो बूट होंगे और अपने आप को रेडी करेगा। फिर उसके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देंगे जिसको आपको अप्लाई करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, या आप अलाउ कर सकते हो या डिनाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पर वो फिलहाल कुछ नहीं करना है, इसको बूट होने देना है ऐसे, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके मैं इंडिया को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं इंडिया पे क्लिक करके यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश इंडिया यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ जो कि कीबोर्ड लेआउट का है, और यहाँ से मैं एस कर दे रहा हूँ। और ये हमारा कीबोर्ड का यहाँ पे डिज़ाइन दिखा रहा है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटअप फॉर पर्सनल यूज पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे आपको ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है यहाँ से नॉर्मली। यहाँ से लिमिटेड एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जो PC का नाम आप डिसाइड करना चाहते हो रखना चाहते हो, यहाँ पे PC का नाम रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे PC के अंदर जो नाम दे रहा हूँ, एडमिन दे रहा हूँ,
एडमिन पीसी है एंड यहाँ पे मैं इसको सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो पासवर्ड दे सकते हो, मैं अभी पासवर्ड इसके लिए फिलहाल कोई नहीं दे रहा हूँ, सिंपली यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट कर लें एंड ये इसके कुछ सेटिंग्स है जो इसमें ऑलरेडी इनेबल्ड हैं, आपको जो इसमें रिक्वायरमेंट है यहाँ से इनेबल कर सकते हो और नहीं अगर रिक्वायरमेंट है उसको आप डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर लोकेशन दिया है एंड बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स जो हैं इसके, तो यहाँ पे मैं सिंपली मुझे सभी रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। आपको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेना है, ये सभी विंडोज़ के फीचर है तो आप प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लेना। और यहाँ पे भी कुछ आपको मैनुअली एक्सेप्ट करने के लिए दे रहा है जो कि आपको अगर रिक्वायरमेंट जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर ले सकते हो। तो इंटरटेनमेंट मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एंड गेमिंग भी कुछ चाहिए मुझे स्कूल की और क्रिएटिविटी एंड बिजनेस एंड फैमिली, तो मैं यहाँ सबको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सभी रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ इसको। तो सिंपली आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है ठीक है। जैसे इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज जो इसका ब्राउजर है बाई डिफॉल्ट ये आपको शो करेगा। यहाँ पे आपको दिस पीसी नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइजेशन पे जाना है आपको। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और यहाँ से आपको कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से चेक मार्क कर लेना और यहाँ से अप्लाई एंड ओके, और इसको सिंपली आप क्लोज कर दो। देखो यहाँ पे दिस पीसी आ गया, रिफ्रेश करो आप यहाँ से ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा ठीक है। तो अभी इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर मैं कुछ चेक करूँ यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाके, यहाँ से मैं रन कमांड में कंट्रोल एंड इंटर करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखो ये अभी और ये अभी कम अभी वे कैटेगरी में है। अभी मैं इसको लार्ज आइकन करता हूँ तो ये सभी यहाँ पे एस्ट्रेक होकर आपको दिखेंगे ठीक है। तो समटाइम्स अगर आप पुराने पीसी को देखो तो कई कैसे कई सारे पीसी में लार्ज आइकन आपको मिलते हैं, कई सारे पीसी में आपको अगर न्यू इंस्टॉलेशन है अगर वहाँ पर लार्ज आइकन नहीं किया अगर, तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन में ऐसे शो करते हैं। तो यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम एंड फीचर में जा सकते हो, और सिंपली अगर यहाँ से लार्ज आइकन है तो भी यहाँ से आप प्रोग्राम एंड फीचर्स में यहाँ से जा सकते हो आप। यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे दिखा रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं अभी इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं डाउनलोड गूगल क्रोम पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसको डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। और सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड क्रोम पे क्लिक कर देना है एंड ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो डाउनलोड हो गया ठीक है। ये डाउनलोड होकर कहाँ जाएगा, जो आपके डाउनलोड फोल्डर है ना मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप ओपन फाइल करोगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो उस लोकेशन पे फोल्डर से, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और जिस पीसी में जाना है आपको, जितने भी डेटा आप डाउनलोड करोगे ना बाय डिफॉल्ट किस में जाएंगे, यहाँ पे जो आपके डाउनलोड्स देख रहे हैं ना इस डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्या करना है, सिंपली आपको डबल क्लिक करना है या इस पर राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं इस पर डबल क्लिक किया हूँ और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ देखो नीचे आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से एस कर लेना आपको। यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे फर्स्ट डाउनलोड कर रहा है एंड इंस्टॉल करेगा इसको ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑटोमेटिक ये पूरा कर लेगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है इसको रन करना है फर्स्ट टाइम में। और ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे शो करेगा इस क्रोम का आइकन ओके। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, देखो तो यहाँ पे क्रोम का आइकन भी आ गया है। क्लियर, देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, आप इसको
डोंट साइन इन करके यहाँ से स्किप करके आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप कंट्रोल पैनल में जाकर चेक करोगे, यहाँ से मैं रन कमांड में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर देखो गूगल क्रोम हमारा इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग फीचर करना जाना है तो आप रन कमांड में एप बीज डॉट सी पी एल, एप बीज डॉट सी पी एल अगर आप कमांड रन कमांड में मेंशन करके अगर ओके करते हो तो डायरेक्टली आप प्रोग्रामिंग फीचर्स के अंदर आ जाओगे। क्लियर। अब बात करें इसमें एंटीवायरस की एंड ड्राइवर्स की, तो जो हमारा विंडोज 10 होता है बाय डिफॉल्ट इसमें ड्राइवर आप विंडो अपडेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे सभी ड्राइवर्स अपडेट हो जाते हैं। इसमें आपको अलग से नेटवर्क ड्राइवर्स या यूएसबी पोर्ट के लिए ड्राइवर्स और डालने की जरूरत नहीं होती है, आप विंडो को अपडेट करोगे ऑटोमेटिक ड्राइवर को अपडेट कर लेगा ये। अगर इसमें एंटीवायरस की बात करें तो इसमें आपको एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल करना होता है, ऑलरेडी इसमें हमारे पास विंडोज डिफेंडर दिया रहता है, यहाँ पे हमारे वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन इससे विंडोज डिफेंडर में हमारे दिया रहता है। यहाँ से आप जो भी आप के डेटा है वहाँ से स्कैन कर सकते हो, यानी आपके सिस्टम में वायरस है या नहीं है। यहाँ पे क्विक स्कैन पे क्लिक करके आप अपने जितने भी फाइल फोल्डर होंगे सबको स्कैन करेगा ये, और आपको लास्ट में शो करेगा इसमें वायरस है या नहीं है। तो वेट करते हैं, जितने भी फाइल फोल्डर रहेंगे ना सबको क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो ये स्कैन ऑलमोस्ट कर चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो कितने सारे फोल्डर्स हैं, यानी ये जो भी फोल्डर्स अभी देख रहे हो आप, जो भी फोल्डर्स फाइल देख रहे हो ये सभी हमारे विंडो के हैं। अभी जो हम लोग नए नए पीसी इंस्टॉल किए हैं, अभी जो भी ये फोल्डर फाइल देख रहे हैं ना, ये आप जो ओएस इंस्टॉल किए सभी उसके हैं। अभी हम अभी तक कोई इसमें डेटा अभी नहीं रखे हैं, ओनली एक क्रोम ब्राउज़र को हम लोग इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर। जैसे ही स्कैन कर लेगा आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट हिस्ट्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो वायरसेस होंगे यहाँ पे आपको शो करेंगे। अभी तो फिलहाल इसमें कोई वायरस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप अगर चाहें तो इसको आप स्कैन कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप सिंपली जो आपके फायरवॉल होंगे, जब आप इंटरनेट यूज़ करो तो फायरवॉल को हमेशा आप इनेबल रखना। फायरवॉल कहाँ होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको लास्ट में विंडोज डिफेंडर फायरवॉल मिलेगा, इसको आपको हमेशा इनेबल ऑन रखना है फायरवॉल को। यहाँ से आप डिफेंडर को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से पावर ऑफ, यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आपको अगर अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना है तो मैं कहूँगा आप अपने जो विंडो डिफेंडर है फायरवॉल है उसको हमेशा आपको ऑन रखना है। तो और जो भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में या आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास सेटअप फाइल है तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी के अंदर।